आपको सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के जो सिम्टम्स हैं उन पर ध्यान देना है। जो भी प्रोसेस फूड बाजार में आता है ना, हम ये कहते हैं कि उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं जानबूझ के। मेरी आप सिर्फ एक बात बताइए कि जो घर में आप खाना बनाते हैं, जो बच जाता है उसको आप फ्रिज में रखते हैं, किस लिए रखते हैं? ताकि हम जो बच गया है उसको फेंके ना, इसलिए रखते हैं। तो बाहर जो चीज आती है वो भी पैकेट साइज के हिसाब से आती है, पर हमें क्या चाहिए? हमें तो ज्यादा लेना है क्योंकि सस्ता पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं देखना है कि हमने वो 4 सर्विंग है, 100 ग्राम का पैकेट है, 4 सर्विंग है, मतलब उसमें हमारी अप्रोक्सीमेटली 20-20 ग्राम की सर्विंग आती है जो हमें एक पर्सन को खानी होती है। पर खाता कौन है? एक छोटा सा बच्चा। फिर हम कहते हैं कि उसकी आदत तो जी उसके दादा ने खराब करी, उसने ये करी। पर हम कितना ध्यान देते हैं या हमारे पास कितना वक्त होता है कि हमारे अपने बच्चे को हमने क्या खिलाना है? आदत तो हम बनाएंगे ना, बच्चा जो मांगेगा हम वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब जैसे छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि उसने हमने आटा खिलाया, हलवा खिलाया, चावल खिलाया, तो उसको रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज आप अपने पे क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? तो बेसिकली आप मैम, तो आपने फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लास्ट में आपने अपने प्रेजेंटेशन में दिया है, जो हमारा ये ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा है बिल्कुल स्पोटिफाई। तो इसमें हमारे तीन अलग अलग वेरिएंट्स हैं, और इसमें व्हीट नहीं है, गेहूं नहीं है, इसमें बार्ले बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, इसमें राई नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री है। एंड ग्लूटेन, आजकल के जो ग्लूटेन है उसमें क्या हुआ है कि ये ग्लूटेन हेक्साप्लॉयड हो गया है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो ग्लूटेन है वो हेक्साप्लॉयड है, मतलब उसमें 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। और पहले के जमाने में जो गेहूं आता था वो डिप्लॉयड था, वो था, डिप्लॉय दो था। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे उसमें। अब जब 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है आजकल के मॉडर्न व्हीट में, चाहे चक्की का आटा बोलो या कोई भी ब्रांड का आटा बोलिए या ऑर्गेनिक आटा बोलिए, सब में हेक्साप्लॉयड है मोस्टली। तो बिल्कुल उसमें क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो स्टोमक में 1 या 2 pH रह रहा है, मतलब वो बहुत ही एसिडिक है। तो जो वो बिल्कुल एसिड है, वो जो प्रोटीन है, उसे वो तोड़ता है, लेकिन वो अमीनो एसिड में अभी तक कन्वर्ट नहीं करता है, वो पेप्टाइड में कन्वर्ट करता बिल्कुल है। कुछ कुछ अमीनो एसिड बन जाते हैं प्रोटीन से, लेकिन जो ग्लूटेन का मॉलिक्यूल है, जो ग्लूटेन प्रोटीन है, उसमें ग्लियाडिन भी है। अब ग्लियाडिन ना टूटता नहीं है क्योंकि ये हेक्साप्लॉयड हो गया है, और जब वो हमारे गट में जाता है तो हमारे उधर ना एंजाइम है ना माइक्रोब्स हैं कि उसे एकदम एमिनो एसिड लेवल में तोड़ दें। जब वो एमिनो एसिड लेवल में जो मोनोमर है प्रोटीन का, उसमें टूटता नहीं है, तो वो पेप्टाइड फॉर्म में रहता है, मतलब दो एमिनो एसिड जुड़े हुए मिनिमम, उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड। तीन अगर एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं उसे बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड, ऐसे करके। और कुछ मान लीजिए 10 एमिनो एसिड है, दो तीन से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं ऑलिगोपेप्टाइड, ठीक है। तो ये जब एमिनो एसिड के लेवल में टूटता नहीं है, एक प्रोटीन पहले पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड से फिर एमिनो एसिड बनता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, गेहूं के ग्लूटेन में वो एमिनो एसिड लेवल तक जा ही नहीं रहा, तो वो पेप्टाइड लेवल में जा रहा है। कुछ ये जो पेप्टाइड है वो उनके गट के थ्रू उसमें छेद होते हैं, सीलिएक्स में स्पेशली वो छेद होते हैं, उसे बोलते हैं लीकी गट, मतलब आपके गट में छेद है, जो हम फेसबुक में या सोशल मीडिया में लिख रहे हैं सीलिएक्स जिसको हम में। तो छोटी वो आंत में छेद कहते हैं से कि इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, तो वो छेद से ये पेप्टाइड जो है वो निकल जाते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वो कुछ भी ऑर्गन में जाके, कोई भी ऑर्गन में जाके बैठ सकते हैं। फर्ज बिल्कुल कीजिए अगर वो ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में चला गया तो ब्रेन में इशू कर देगा, अगर वो पैनक्रियाज में चला गया तो इंसुलिन प्रोडक्शन में गड़बड़ कर देगा, और इसके वजह से आपका बिल्कुल इंसुलिन लेवल अगर कम हो जाता है तो आपको ब्लड शुगर हाई हो जाएगा, 140 से ज्यादा हो गया, तो आप प्री डायबिटिक में जाओगे पहले, उसके बाद फिर आप डायबिटिक जोन में जाओगे, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, या पहले मेडिसिन बिल्कुल से मेटमॉर्फिन जैसे हैं अलग अलग मेडिसिन, तो उसमें जाना पड़ेगा। तो
ये नहीं है कि सबको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सीलिएक डिजीज होता है वो होता है आपका ऑटो इम्यून डिजीज, एंड इट इज अ जेनेटिक ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब अगर आपको है तो श्योरली आपके बॉडी में 14 जीन, जो सीलिएक जीन होते हैं, 14 जीन में से कुछ इंपॉर्टेंट जीन है या सारे 14 के 14 ही जीन है, और ये जो जीन्स हैं वो आपके मम्मी या पापा से आए हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो गए हैं। अब आप बताओगे कि मैं तो सीलिया हूं, लेकिन लेकिन मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, तो इसका मतलब है उनके अंदर ये जीन ट्रिगर नहीं हुआ है, वो ट्रांसक्राइब नहीं किया है बेसिकली, तो आपके में हो गया, मतलब बिकॉज ऑफ मेनी एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, या आपने ज्यादा गेहूं खा ली है मोर देन, तो ससेप्टेबल हो गए आप, लेकिन आपके मम्मी पापा शायद इन फ्यूचर हो जाए। और इसमें है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी होता है, फर्स्ट डिग्री मतलब आपके भाई बहन के पास भी ये जीन है, शायद आप हैं बिल्कुल लेकिन आपके भाई बहन अभी नहीं है, इन फ्यूचर वो भी बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये एक टाइप का है, इट्स अ नेचुरल जेनेटिक थिंग, ये एक नेचुरल थिंग है, और ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपको सीलिएक डिजीज हो गया, क्योंकि इवन मुझे भी है, और ये लास्ट आई थिंक 5 या 8 साल से मुझे कुछ कुछ सिम्टम्स मिल रहे थे माइग्रेन के, मुझे कुछ सिम्टम्स मिल रहे थे कि जब मैं कोई रेस्टोरेंट में जा रहा था और बटर नान खा रहा था, बटर नान बिल्कुल खाने के बाद जब हम घर में आ रहे थे, चाहे आप कोई आफ्टरनून मील करने जाए रेस्टोरेंट में मान लीजिए, या आप डिनर करने जाए फैमिलीज के साथ या ऑफिस के लोगों के साथ, आके मुझे हमेशा बाथरूम जाना पड़ता था टू पास ऑन द मोशन, ओ क्योंकि आई मतलब वो होता ही नहीं था। तो बटर नान वो समथिंग, तब हम सोचते हैं कि यार एक कहावत जो हम लोग बोलते हैं, बाहर का खाना ना सूट नहीं हो रहा। इवन जी एज अ बिल्कुल सीनियर फूड टेक्नोलॉजी मैं भी यही बोलता था, बाहर का कुछ खाना जाना सूट नहीं हो रहा। होगा, कुछ जाना होगा जी, हाँ भाई और भी लेकिन तो खा के आए, ये क्यों हुआ है? हाँ, तो यही है प्रॉब्लम कि हम ना बहुत बार अपने बॉडी को लाइटली ले लेते हैं। तो इवन मेरा जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ब्रिटानिया में भी 4 साल काम किया है और दबा के बिस्किट विस्किट सब कुछ खाया हुआ है मैंने, वैसे बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ जी जी बिस्किट्स एंड केक्स एंड ब्रेड्स एंड अदर स्टफ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं है कि क्या मुझे भी सीलिएक डिजीज है, क्या मुझे भी ग्लूटेन इनटॉलरेंस है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमने अपना जीन टेस्टिंग कराया था उससे पता चल रहा है। इवन मेरे लड़के को भी ग्लूटेन से बहुत ही एलर्जी है, और वो जीन टेस्टिंग, उसे उसको तो एस्थमा था, वो ओ एस्थमा ऑलमोस्ट क्योर हो गया। सिर्फ स्पोटिफाई से नहीं, हमने उसका ग्लूटेन ही बंद कर दिया, ग्लूटेन के सोर्स बंद कर दिए। जी तो बिल्कुल पहले उसे नेबुलाइजेशन देना पड़ता था वीकली 2 बार, तो अभी लास्ट 1.5 साल में एक बार भी नहीं देना पड़ा। तो इस और नॉर्मल आदमी ये दोनों को अच्छा कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, भैया ये रोटी से अस्थमा का क्या प्रॉब्लम है, वीजिंग क्यों होता है बच्चों को। तो आपको एलिमिनेशन बिल्कुल डाइट में रखना चाहिए,